हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मेरे पास एक नया जॉब आया है जो कि आईटी इसका बोर करना है हमको। 70 mm से कुछ मतलब कि डिफरेंस है, एक पॉइंट या दो पॉइंट ऊपर ही रहेगा। तो गाइस, इसका ओडी जो है अपना 110 mm है। तो इसको कटिंग करने के लिए गाइस हमें टूल की किस प्रकार की धार लगानी पड़ेगी, कौन कौन सी मतलब कि धार इसमें मेंशन हो सकती है। तो गाइस, और इसके साथ का एक पार्ट और है जो कि इसमें साथ में ज्वाइंट हो जाता है गाइस, तो ये डबल पार्ट होता है। तो गाइस, चलिए मैं आपको टूल दिखाता हूँ किस प्रकार के इसकी टूल की जो है धार लगती है। तो गाइस, हमें जो है इसकी धार इस प्रकार की लगाई जाती है, जैसे कि हमें कोई रॉड टर्निंग करना होता है तो उस प्रकार की जो है हम धार लगाते हैं, वैसे ही धार हमें जो है इस बोर में लगानी पड़ेगी। हालांकि गाइस, हम दूसरी धार भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है इस प्रकार की गाइस, देखिए ये जो रखा हुआ है, तो गाइस उस प्रकार की भी हम धार लगा सकते हैं, उससे भी हम कटिंग कर सकते हैं, तो उससे भी कटिंग हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम गाइस उसमें ये आ रहा था कि उसमें अपने अंदर जो आईडी जो है इनका बोर है वो फिनिशिंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इस प्रकार की धार लगाई, तो इससे थोड़ा सा हमें जो है फिनिशिंग मिल रही है। तो गाइस, जो बोर करना है हमें उसमें फिनिशिंग तो चाहिए चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रकार की धार लगाई है। तो गाइस, कैसे हम इसको बोर करेंगे और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल पर नए विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि मैं लेथ के बारे में ही इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ गाइस। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें गाइस, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, ये रहा उसका दूसरा पार्ट, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी कीवे कटिंग किया हुआ है, तो वो जो है उसको बना करके इसमें उसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये जो बोल्ट है इसमें लग के कम्प्लीटली इसको टाइट कर दिया जाता है, दोनों फिक्स हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो है बड़ी जॉब में मतलब कि बड़े गियर बॉक्स में ये लगता है, काम आता है, तो उसमें ये मैनेज किया जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम उसकी जो है आईडी आपको बोर करके दिखाते हैं। हालांकि गाइस, इस प्रकार की जो धार लगती है वो अंदर में कॉलर के लिए धार लगाई जाती है, क्योंकि अंदर में कॉलर छोड़नी पड़ती है सीधी सीधी स्ट्रेट में, तो इस प्रकार की उसमें जो है धार लगाई जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब कि इसकी ये जो धार है किस में काम आती है। तो देखिए गाइस, यही वो है जो देखिए, इसमें भी आईडी बोर किया हुआ है और अंदर में ये थोड़ा सा कॉलर छोड़ा गया है, स्ट्रेट कॉलर है देखिए। तो वैसी धार जो है गाइस इसी में काम आती है ज़्यादातर, जो उस प्रकार की जो है धार लगाई जाती है। तो गाइस, उसमें बोर करने के लिए सबसे पहले हमने जो है कि इसको ड्रिल किया था, ठीक है। ड्रिल करके तुम्हारा होल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये जो हमारा टूल है ये आसानी से उसमें घुसने लगता है, तो इसलिए उसमें ड्रिल करना पड़ता है। तो गाइस, मशीन मैंने चालू कर दी है और मैंने ऑटो कट में लगा दिया है इसको। फाइनली हमारा जो बोर है कंप्लीट हो चुका है, अभी तो सिर्फ गाइस रब किया है। तो गाइस, इसको बोर करते समय आप चाहे तो टूल को ठंडा रखने के लिए पानी भी डाल सकते हैं, मगर एक बार का ध्यान रखें कि कभी भी फाइनल कट लगाना हो तो उसमें पानी मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा गाइस, अगर आप जॉब को जब फाइनल करके उतार देंगे तो थोड़ी देर में उसमें जंग लग जाएगा, इसलिए मैं उसमें पानी मत डालिएगा, और रफ़ में आप जो है पानी डाल सकते हैं। तो गाइस, चलिए जल्दी से हम इसको फाइनल कर लेते हैं और फाइनल करके इसका कीवे कटिंग करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। चलिए मैं जल्दी से इसको फाइनल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइस, हमारा जो है कीवे कटिंग भी हो गया है और जो फाइनल था वो भी मैंने कर दिया है, और इसका साइज भी देखिए 70 mm पूरा आ रहा है, देखिए 70 mm से थोड़ा सा ज़्यादा है।
देखिए गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है गाइस बोर किया जाता है आईडी का। आशा करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से मतलब टूल की धार लगाई जाती है और कैसे उसको बोर आईडी जो है बोर की जाती है। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।